नमस्कार दोस्तों, आप बहुत वीडियो में देखे होंगे, यहाँ बहुत डल सा ये कॉर्नर था, तो अभी कुछ कुछ कोशिश कर रही हूँ हटाकर साफ करने की, क्योंकि आज विद्यालय में छुट्टी है, अवकाश है, तो कुछ काम गार्डन का ही कर लूँ। तो यहाँ बड़े बड़े प्लांट मैं रखी हूँ और ये उस टेबल पर रखूँगी, उसमें अच्छे से सजाऊँगी इसको ट्रे गार्डन के रूप में। देखिए वेस्ट है ये हमारे शादी का ही बैग है, तो टूट गया था तो इसका मैंने उपयोग कर लिया गार्डन में। और इस तरह से देखिए यहाँ पर अभी लगाई हूँ, और आगे आपको दिखाऊंगी जब पूरी अच्छे से तरह से लगा दूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और जो पीछे था हमारा कैसा था यहाँ पर, उसका फ़ोटो मैं डाल दूंगी, तो आगे देखते रहें, बने रहें मेरे वीडियो में। देखिए दोस्तों, सुबह से काम कर रही हूँ बिल्कुल अकेले सारा काम, तो देख सकते हैं बहुत साफ़ सुथरा कर दिए हैं। अब थोड़ा और भी कुछ और करेंगे तो आपको और दूसरे दिन वीडियो में दिखाऊंगी कि देखिए इस तरह से एक बेजान से पड़े हुए कॉर्नर को कुछ जान देने की कोशिश की है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि वेस्ट में कैसे मैंने लगाया है, अभी तो सजावट करना बाकी है। अभी कुछ कुछ पौधे इसमें लगा दिए हैं, देखिए टूटे हुए गमले भी लगा दिए हैं इस तरह से, और वो ढक्कन टूट नहीं रहा था तो वहाँ बांध दिए ताकि हवा से गिरे नहीं। देखिए इस तरह से चारों तरफ हैंगिंग प्लांटर लगा दिए हैं, प्लांट लगा दिए हैं ताकि हैंग करते रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से देखिए हरे हरे सब प्लांट हैं यहाँ पर। और ये देखिए चंपा का प्लांट, बोले थे ना कि कल ठीक ठाक करेंगे, तो सब मिट्टी उट्टी डाल के देखिए फ्लावर कितना सुंदर खिला हुआ है। तो इस तरह से अगर मेरा काम अच्छा लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। और फिर मैं अगले वीडियो में आपसे और मिलूँगी, तो अपने छत पे जो अच्छे से साफ़ सुथरा करूँगी तो दिखाऊँगी। अभी बारिश लग रहा है कि बारिश आ रही है, तो इस तरह से इसीलिए अब थोड़ा काम मैं पेंडिंग कर रही हूँ, अब बाद में करूँगी। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।